सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू फायर एंड स्टूडियोज़। एंड इस वाली वीडियो के अंदर मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा है, और तुम्हें शायद हो सकता है एक्साइटेड भी कर दे। तो सबसे पहले यार मैं एक बार सॉरी कहूँगा, क्योंकि यार एक हफ्ते से भी ज़्यादा डिले हो चुकी है हमारी स्टोरी टाइम वीडियो। तो यार तुम्हें पता ही है, मैंने तो मुझे घर गया हुआ था, वहाँ कम से कम 3-4 दिन मेरे ऐसे ही चले गए। तो मैं वीडियो की काफ़ी सारे एडिटिंग करके गया था, आई मीन वॉइस ओवर और जितनी भी चीज़ें थी वो सारी हुई हुई हैं। बस थोड़ी सी फिनिशिंग टच देने रह गए हैं, क्योंकि यार उनके बिना थोड़ी बोरिंग लगेगी, इसलिए बस मैं वो सब कर लूँ मेरे को अभी। तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, तुम्हारी स्टोरी टाइम वीडियो भी आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर ही। और कुछ बताऊँ तो मैं ये कहूँगा कि जो वीक 2 वाली वीडियो है वो मैंने थोड़ी टाइम पर डाली है, क्योंकि यार वो भी पेंडिंग पड़ी थी, अनंत मुझे घर गया था मैं, वही रीज़न है। तो वीक 3 वाली वीडियो के अभी वॉइस ओवर बचा है, वो भी आने वाली है 1-2 दिन के अंदर। तो पहले मैं सोचूँ कि पहले स्टोरी टाइम डाल दूँ, बाकी तुम बताओ पहले कौन सी डालूँ, कॉड की जो WC हुआ था उसकी वीक 3, या फिर पहले स्टोरी टाइम डालूँ। और सबसे बड़ी जो अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूँ, जो मैं सोच रहा था कि यार मैं ना आजकल ना वो क्या कहते हैं, एक बड़ी मस्त एडिटिंग होती है, कुछ चीज़ है, वर्ड है, भूल गया यार मैं क्या कहते हैं उसे, भाई वो उसे एस्थेटिक कहते हैं। अरे हाँ भाई, एस्थेटिक। तो आजकल मैं वैसी टाइप एडिटिंग थोड़ी सीख रहा हूँ और ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा यार कॉडे में एक रैप भी बनाना ही चाहिए। अब ये मत कहना कि तू भाई तू ड्रोन को कॉपी कर रहा है, ये सब हमने पहले बहुत टाइम पहले सोच रखा था, आई मीन अनंत और मेरी बात चल रही थी इसके बारे में। लेकिन यार उस तुम्हें पता ही है कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है इस चीज़ों में। तो भाई मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ और मैं ये मैच देख रहा हूँ कि तुम देख सकते हो, थंडर रशा ने 3 बारी बीच में मेरी स्क्रीन से कॉल करी है, और भाई मैच के बीच में मैसेज कर रहा है भाई। पहले उस टाइम मैंने शायद इनेबल नहीं कर रखा था ये वाला फीचर, जिसमें मैसेज वैसे बंद हो जाते हैं, ड्रोन वाला हारता, लेकिन तभी देख सकते हो ना, तभी जीत रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं रूल करता था कॉर्डन को सीजन 12 में। ये पुरानी वो है रिकॉर्डिंग, तो ये मत कहना कि न्यू टाउन कहाँ से आ गया और ड्रोन कहाँ से आ गया, ये सब मत कहने लग जाना। तो एक और चीज़ मैं बता दूँ, तो कॉर्डन रैप हम बनाने वाले हैं, कोई कॉपी नहीं है, हमारा ही आइडिया था। और भाई बहुत सारे पहले भी यूट्यूबर ने बना रखा था, तुमने भी कॉपी कहोगे तो सबको अपना यार वो है, ट्राई मारते रहे सारे, तो हम भी अपना बनाने वाले हैं। तुम बस मेरे को ये बता दो कि तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए। बाकी नहीं बना रहे थे, क्योंकि यार तुम्हें पता है यार कितना सारा टाइम कंज्यूमेंगे, पहले सबसे पहले तुम्हें बहुत सारा आइडियाज़ लगाने पड़ेंगे कि तुम्हें क्या क्या डालना है सर आपके अंदर, इतने सारे आइडियाज़ के आप तुम्हें सारी लाइन्स को मतलब राइम करना पड़ेगा, लिरिक्स लिखने पड़ेंगे, क्या चीज़ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, कब आनी चाहिए, ये सब सोचना पड़ेगा। तुम्हारे पास एक अच्छी बीट होनी चाहिए, उसके बाद बीट होने के बाद तुम्हें पूरा गाना गाना पड़ेगा एक बारी, उसको अच्छे से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जब रिकॉर्ड हो जाता है और उसके बाद तुम्हें पता है पूरी फाइनल एडिटिंग लगती है, और पूरी फाइनल एडिटिंग हो जाने के बाद उसके अंदर सारे इफेक्ट्स डलते हैं, वो सब होने जाने के बाद तुम्हें उस वीडियो को एक्सपोर्ट करना पड़ता है। फाइनली एक्सपोर्ट होने के बाद तुम्हें मेरी तरह प्रीमियर सेट करना पड़ता है। प्रीमियर जब सेट हो जाएगा, अब मैं पता नहीं कितना बता रहा हूँ तुम्हें, डिस्क्रिप्शन सब कुछ रेडी करना पड़ेगा इसके लिए, तो हाँ बहुत सारा टाइम लगता है। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा, लेकिन अगर तुम्हें चाहिए तो प्लीज़ नीचे जाके बता दो कमेंट्स के अंदर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आवाज़ आ रही है।